और ये खेल दिया है लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, जब तक इनको फील्ड कर दे वापस करते रन पूरा किया। 11 गेंदे 13 रन, रोकना होगा रनों को। टी20 क्रिकेट चैंपियनशिप 2022-23 का केकेआर मडीन और एलबी शासित दिल्ली के बीच में खेला गया। ग्रुप बी का ये पहला मुकाबला, बहुत ही अहम मुकाबला, और केकेआर मडीन ने पहले बल्लेबाजी की शानदार, 133 रन बनाए 20 ओवर में, इस ग्राउंड के हिसाब से बहुत ही अच्छा लक्ष्य, और एक तरह एक पकड़ बना चुके थे अपनी इस मैच पे। पर तेजस दहिया और अरुण ने एक शानदार पार्टनरशिप की, जब लग रहा था कि एलबी शास्त्री अपने घुटने लगा चुकी है, वहां से उन्होंने ये मैच खींचा और हमने एक शानदार बल्लेबाजी देखी। टुवर्ड्स द एंड तेजस ने जैसे एक्सलरेट किया और आर्यन ने जो एक्सलरेशन दिखाई, और ये मैच जो है 19वें ओवर में एलबी शास्त्री दिल्ली के नाम किया। आज के हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर जो है जनाब गुलाम मोहम्मद मलिक साहब, रिटायर्ड रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट। पहले मैं बुलाना चाहूंगा केकेआर मडीन के कप्तान राजेश। मैं नहीं सोचूंगा कि आपको डिसअपॉइंट होना चाहिए इस मैच से, बहुत ही शानदार एफर्ट मुझे देखने को मिला आपकी टीम से, काफी यंग टीम आपकी और लोकल टीम जो है, और इतने बड़े क्लब एलबी शास्त्री दिल्ली, गौतम गंभीर का क्लब, संजय भारद्वाज जी का क्लब, आपने उनको एक कांटे की टक्कर दी। मुझे लगता है कि बहुत हार्टनिंग होता है कि जब आप एक ऐसा मैच हार जाते हैं, पर एज ए कप्तान आपको लिफ्ट करना चाहिए अपनी टीम को, क्योंकि अभी दो अहम मुकाबले यहां पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कहां कुछ चूक हुई है और क्या इंप्रूव करना चाहेंगे आप? मतलब सितारों में तक हमारी टीम बिल्कुल पकड़ में थी, तो कैच कुछ मैच में छूटते रहते, अगर कैच पकड़ लेते तो क्या पता जब डिसीजन मैच में कुछ और होता। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि हमारे पास दो मैच और पड़े हैं, तो वी विल बाउंस बैक। बिल्कुल, अगर वो एक कैच जो आप पकड़ लेते चेजर्स का, जो एक एंड पकड़ के बैठे थे, तो शायद इस मैच का कुछ और निर्णय हो सकता था। नो मैटर, कहूंगा अभी दो मैचेस बाकी हैं, प्लीज पॉजिटिव अप्रोच से खेलिए, आप लोकल टीम है और यहाँ पे काफी लोकल लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आ रहे हैं, दो बार मैन ऑफ द सीरीज बन चुके हैं, दो बार आपकी टीम जो है ये खिताब उतार चुकी है, तो काफी एक्सपीरियंस आपको इस ग्राउंड का, आज कुछ आप यकीनन जीत जाएंगे और आज वही देखने को मिला। अभी भी दो मैच बाकी है, क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति तो सेम ही रहेगी, बाकी इस बार का विकेट पिछली बार के एक्सपेक्टेशन से बहुत अच्छा बैटर खेल रहा है, तो हम ये सोच रहे थे कि हमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन दूसरी टीम ने जितना अच्छा विकेट खेल रहा था उसके हिसाब से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और एंड में मुझे लगता है कि थोड़ा उनके डिसीजन में चूक रही और तेजस ने वो अंडरस्टैंड किया और इस वजह से हम मैच जीते। ये मैच जो है बना हुआ एलबी शास्त्री दिल्ली के लिए, तो एक एंड पे खड़े रहना कितना मुश्किल हो जाता है जब आप देख रहे हैं कि दूसरे एंड पे विकेट्स गिर रही हैं, फिर भी आपने कोई अपना कंसंट्रेशन नहीं लूज की, एंड तक लेके गए मैच, तो कैसे आपको ये हौसला मिलता है, कैसे बैक करना, अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना, आपको थोड़ी कैलकुलेशन सिखानी पड़ती है कि सिंगल डबल और फिर जा बाउंड्री बॉल्स मिलते उसको कैच करना होता है, बस लास्ट तक जितना लास्ट तक गेम जाता है उतना हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, तेजस हमने देखा वो आपके